स्टोरी मैं जोधपुर से रिलेटेड हूँ और जो लोग कहते हैं कि सलमान के बारे में, मैं कहता हूँ कि सलमान एक भगवान है और वो दूसरों के दुख खुद लेता है, इसलिए मैं दिखाना चाहता हूँ। जैसे अमिताभ का मंदिर बन सकता है तो सलमान का मंदिर क्यों नहीं बन सकता है, और सलमान ने जो नहीं किया है वो भी अपने ऊपर लेता है, और सलमान ने कईयों का जीवन को दान दिया है, इसलिए मैं स्टोरी को करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि इसकी असलियत क्या है। क्या दिखाना चाहेंगे सारे आप? सर मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो तो अच्छा हुआ, जो दिखाना चाह रहा हूँ वो तो पिक्चर के अंदर देखोगे तो अच्छा, जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो आपने आज तक नहीं देखा। अभी बता देंगे तो पूरा सस्पेंस ही खत्म हो जाएगा ना। तो आप हुआ सलमान से आपका की? नहीं, मेरा किसी के लिए एक्सपायर के लिए किसी से डिसीजन, मतलब भगवान, यदि हम किसी भगवान के ऊपर पिक्चर बनाते तो कहीं भगवान से डिसीजन नहीं जाते। नहीं, तो इंसान है, हम तो भाई को हम भगवान मान रहे हैं ना, हमने तो उन पे एकदम उनके इंस्पायर हैं, उनकी कहानी से हम उनकी कहानी से इंस्पायर हैं बस। बिल्कुल। और उनका एक पक्ष जो है जो अभी तक नहीं लोगों के सामने आया है, उनका एक पक्ष है कि लोगों को मदद करना है, या एक जो वो ह्यूमन काइंड का जो वो चीज़ है वो नहीं आया, उसको हम दिखाना चाह रहे हैं। जानते तो है वो जानना तो अलग चीज़ है ना सर, जानना तो हम किताब पढ़ के भी कई सारी चीज़ें कई चीज़ें नहीं जानते, वो दिखाने जा रहे हैं, सच्चाई दिखाने जा रहा हूँ, जो पब्लिक के, जो आप लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। और सेम जगह उसी जेल के अंदर शूट करने जा रहा हूँ, वही बैरिक के अंदर और उसी जिस्सी के अंदर जिसके अंदर तुमने शिकायत किया। बिल्कुल परमिशन, जेल पर परमिशन, बिल्कुल मेरे पास परमिशन। और जो सलमान जी के साथ थे उस जेल में वो भी कर रहे हैं, उस फिल्म में एक्टिंग भी वो कर रहे हैं, और जेलर भी वहीं की, वो जेलर भी मेरे पास साइन है, उनके तीनों एडवोकेट भी मेरे पास साइन है। पहला शॉट देख चुके हो? शॉट क्या है आज क्या है? आप देख चुके हो अभी? अभी शॉट हो चुका आपके सामने, मैं क्या बताऊँ? आप शॉट देख चुके, आपके फोटो लगे, उसका क्या रीजन है सर? अभी कैसे बता रहे, आप फिल्म देखना, अभी आप शॉट देख चुके हो पहला, अंदर घुसने के बाद सलमान के एक्शन क्या थे? बिल्कुल चालू रहेगी, बिल्कुल चालू रहेगी, ऑब्जेक्शन खाएंगे, वो हमारे भगवान है, हम उसकी पूजा करते हैं, हम उससे बिल्कुल मिन्नत करेंगे, उसके पास जाएंगे, उसको बताएंगे, उसकी रियलिटी बताएंगे। अभी मेरी कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन हमारे साथ जो हम तो महेश को एक्सपायर लेकर, महेश को ही लेकर के पूरी पिक्चर बना रहे हैं, जिसने कि उसके साथ 72 घंटे कैसे बिताए, क्या किया, कैसे किया, क्या नहीं किया, उसको लेकर के ज़्यादा। नहीं नहीं नहीं, बस वो जो 72 घंटे में जो महेश के साथ शेयरिंग उन्होंने जो भी किया है, उस 72 घंटे की वो पूरी कहानी है, और एंडिंग ओपन होगी उसकी, कोई ये भी वो जैसे जैसे चलता जाएगा, जैसे वो सपोर्ट कर जैसे उनको सजा हो जाती है, समझो सलमान खान पे तो वो भी आप दिखाएंगे सर, वो डिसाइड है, हमने ओपन एंडिंग रखा है, दरगाह शरीफ भी दिखा रहे हैं जहाँ पे कव्वाली हो रही है, जब धागा बांधा जाता है, जब इसकी जमानत होती है, कई ऐसी चीज़ें दिखाएंगे कि जो शायद मीडिया के लिए बिल्कुल वो, क्योंकि लोगों की सेवा करता है इसलिए भगवान है, मेरी मैं उससे करना तो पर्सनल मिला हूँ, लेकिन जो लोगों के लिए किया है, क्यों वो अंदर गया, किसके लिए गया, उसके लिए भगवान ही। और ये एक्चुअली कितनी करेक्ट है ये स्टोरी आपको पता है? 101% करेक्ट, फिक्शन नहीं है इसमें जरा भी, मतलब जैसे बोलते हैं रियल काल्पनिक है इसमें कुछ बातें, थोड़ी बहुत तो काल्पनिक डालनी पड़ती है, फिल्म का लाइन है, थोड़ा बहुत रहेगा पर 90% तो आपको ऑथेंटिक ही। फिल्म लॉन्च हो रही है और ये फिल्म का जो है ना बिगनिंग का सीन है जो हम लोग शूट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अच्छा होगा, और सलमान भाई की कुछ एंट्री इसी तरीके से हुई थी तो ये सब कुछ उन्हीं से इंस्पायर है। अपने किरदार के बारे में बताइए। किरदार मेरा एक्चुअली जो हमारे प्रोड्यूसर हैं रंजीत शर्मा जी ने मुझे ये एक्चुअली किरदार मुझे सलमान भाई का करने के लिए दिया है, जबकि बोलते मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि
मैं शुरू से ही उनसे इंस्पायर रहा हूँ और शुरू से उनको फॉलो किया है मैंने, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि आज उन्हीं का ये एक रियल स्टोरी वो मुझे करने के लिए मिलेगी। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ, बहुत लकी मानता हूँ। बाकी तो देखिए, आप लोग परवाह नहीं चाहते, आप ये फिल्म अच्छी बनेगी, मज़ा आएगा आप लोग देखेंगे तो। जो भी कुछ हुआ है, सलमान भाई आई लव हिम। सलमान भाई वो इंसान है जो हर एक इंसान का अच्छा ही चाहता है, अच्छा ही सोचता है। उन्होंने बहुत लोगों को सपोर्ट किया है, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि हमारे प्रोड्यूसर ने हमें ये मौका दिया है उनकी स्टोरी पर काम करने के लिए, तो उनकी एक पॉजिटिव स्टोरी है जो वो हैं, वो स्टोरी है। एक्चुअली सलमान भाई जो है ना, वो ग्रेट इंसान है, उनके जैसा ना है ना कोई होगा। कि कुछ दबाव का मतलब, कुछ आदमी कुछ ऐसा काम करता है, नेगेटिव काम करता है, तो कुछ गलत काम करता है, चोरी करता है, डाका डालता है, तो एक तरीके का दबाव होता है। तो इसमें कोई एक कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे हमें कोई किसी चीज़ का दबाव हो, क्योंकि हम इस फिल्म में वो दिखलाना चाह रहे हैं जो रियल हुआ है। और उसमें सलमान भाई मतलब एकदम बेकसूर है, इसमें वो दिखलाना चाह रहे हैं हम लोग। देखिए क्या होता है ना, कि आज जो भी सलमान भाई के साथ में हो रहा है, ये अगर किसी भी आम आदमी के साथ में हो तो कोई केयर नहीं करेगा, कोई भी ध्यान भी नहीं देगा। आज सलमान भाई है, ही इज़ अ स्टार, इसलिए उनके केस को उछाला जा रहा है, समझ रहे हैं? आज जैसे कि एक चीज़ होती है कि कोई स्टार के वहाँ पे, अभी आम लोगों में कोई किसी की डेथ हो गई है, तो ठीक है, सब कुछ किया, दफनाया, ये वो सब हो गया। अब स्टार में होगी तो ये मीडिया, ये वो सब 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 बला बला बला, वही सलमान भाई के साथ में हो रहा है। सलमान भाई को पब्लिसिटी की क्या जरूरत है? सलमान भाई है, सलमान भाई को पब्लिसिटी की कुछ जरूरत नहीं। सलमान का नाम यूज़ किया जा रहा है? नहीं, फिल्म के लिए नहीं है ये, तो ऐसा कुछ नहीं, ये स्टोरी है हमारे प्रोड्यूसर की, वो इस पर काम करना चाहते हैं, दैट्स इट। थैंक यू। बाकी बहुत ही अच्छे इंसान थे, 3 दिन मैं रहा, मुझे पता नहीं लगा, और खुशी हुई मुझे उनसे मिलने के बाद। क्या-क्या चीज़ें आपने शेयर की होगी? खाना खाया एक साथ? हाँ, खाना खाया था, खाना भी उन्होंने मेरे साथ खाना खाया था, जो मैंने खाया था वही खाते थे। मेरे पास जहाँ मैं सोता था वहीं वो सोए थे, जैसे कि उनको टाइम पास करने के लिए अंदर कैरम वगैरह मिलते हैं, चेयर्स मिलती है, वो मेरे साथ खेली उन्होंने, मैंने खिलाया उनको। और काफ़ी मतलब 2 दिन के बाद से था, काफ़ी मायूस थे, 2 दिन के बाद जब उनसे बातचीत वगैरह किए तो मतलब काफ़ी अच्छे नॉर्मल हो गए थे। और जैसे कि सब्जी भी खिलाई थी उनको, जिन में नहीं मिलते सोयाबीन थे, सारे टाइप की सब्जी थी वो खिलाई थी, चेयर्स वगैरह खेले थे, बुक्स वगैरह पढ़े थे, कुछ दिन का नॉर्मल टाइप के हो गए थे। बातें यही कोई थी, जैसे कि उन्होंने पूछा था जेल में किस तरह कैदी रहते हैं, इस तरह तो मैंने बताया था बुजुर्ग टाइप के कैदी रहते हैं, तो उन्होंने ये सुनकर काफ़ी मतलब मायूस हुए थे, काफ़ी बोला था। और जैसे कि कुछ ऐसे बंदी ऐसे कैदी होते हैं जो कुछ दिन के लिए आते हैं, मतलब छोटे मोटे केस में आते हैं, उनका जुर्माना होता है मात्र 100 रुपये 200 रुपये, और वो भर नहीं पाते, उसके लिए वो कम से कम 3 महीने 4 महीने रहते हैं। तो सलमान खान ने कहा था कि भाई इनका जुर्माना अगर मैं बोलता तो ये निकल सकते हैं, उन्होंने उनकी कोशिश करी मगर किसी कारणवश मतलब कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से वो भर नहीं पाए थे। और मेरे को भी कहा था जब वो जा रहे थे, तो मेरे को कहा था कि 20,000 मैं देता हूँ, मगर मैंने मना कर दिया था, जबरदस्ती काफ़ी कहा था, मेरा जुर्माना था 50,000 रुपये। तो जाते वक्त उन्होंने कहा था कि मेरा जुर्माना भरने के लिए, मगर कानूनी कुछ प्रक्रिया ऐसी होती है जो बंदी वहाँ से निकलता है वो कुछ मतलब दूसरे की हेल्प या दूसरा जुर्माना नहीं भर सकता, मतलब कुल मिलाकर बहुत ही रॉयल अच्छे इंसान है। मैं ओपन सीओ था, मैं भी बंदी हूँ, बंदी था वहाँ पर, अब तो नहीं, अब तो निकल चुका हूँ मैं भी, मतलब एक कैदी था मैं, एक ओपन सीओ था जो बाहर आ जा सकता,
मेरे को उनको उनके ना वार्डन के हिसाब से रखा गया था, उनकी हेल्प के लिए उनका, क्योंकि किसी भी बंदी को अकेले नहीं रखा जाता है। और किरदार के बारे में, किरदार मेरा वही है जो अंदर जेल में था। मैं एक, मैं भी, मेरा भी एक मर्डर केस था। जब वो निकल रहे थे तो उनके पास टी शर्ट थी और मतलब कुछ कपड़े थे जो मेरे को दे गए थे, और मेरे सैंडो बनियान था। तो उन्होंने कहा था ये बनियान मेरे को निकाल देते हैं जो मैंने पहन रखा था। मेरा बनियान थोड़ा गंदा हो रहा था, मैंने कहा ये तो तुम्हारे आएगा भी नहीं है। बोले नहीं तो दे निकाल कर। तो मैं कहा मेरे पास दूसरा बटा, मैं लिया कर देता हूँ। मैंने दूसरा अपना सैंडो बनियान लिया कर दिया। सैंडो बनियान लिया उन्होंने, फिर मेरे को बोला एक ब्लेड लेकर आ। मैं ब्लेड लेकर आया, उन्होंने ब्लेड से सैंडो बनियान को नीचे से काटा और वो पहन के तब वो बाहर निकल गया। मैं कहा ये क्या है? बोले ये मेरा स्टाइल है। ये पूरी फिल्म इनकी रियल स्टोरी पे है। मेरा जो किरदार है वो भी मेरा रियल स्टोरी का, जो अंदर का जो जैसा था। 72 घंटे के रहे थे, 72 घंटे में उनके साथ रहा था, वही रियलिटी चीज़ के अंदर है इस फिल्म में। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मायूस हुए थे 2-3 दिन, उसके बाद भी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगे थे। मैंने कोशिश यही की थी नॉर्मल रहें। थैंक यू।